गुड इवनिंग स्टूडेंट, विल कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर वन अर्थ। एज पर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द अर्थ इज इन थर्ड पोजिशन। नो अदर प्लैनेट इज नोन टू हैव लाइफ अदर देन द अर्थ। सूरज की दूरी से देखा जाए तो अर्थ इज इन थर्ड पोजिशन। अर्थ की जो पोजिशन है वो तीसरा प्लैनेट है। इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, यू विल क्लियरली सी अर्थ इन द थर्ड पोजिशन, राइट? इट इज इन थर्ड पोजिशन नो अदर प्लैनेट इज नोन टू हैव लाइफ अदर देन अर्थ। और एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन इन 365.26 डेज। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू इट्स रोटेशन। अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज रिवोल्यूशन इज 365.26 डेज एंड पीरियड ऑफ रोटेशन 24 आवर्स एंड ड्यू टू दिस रोटेशन डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म। अर्थ इज इंक्लाइन ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू विच देयर आर चेंजेस इन सीजन। अर्थ का अपने एक्सिस पे कैसी है तो एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पे नहीं है, तो थोड़ी इंक्लाइन है और जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट मून। अर्थ को एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून। द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ एंड अलॉन्ग विथ अर्थ इट रिवॉल्व राउंड द सन ऑल्सो। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट रिफ्लेक्ट द सन लाइट विच फॉल्स ऑन इट एंड दस वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच फेसेस अस। और मून भी क्या करता है, जितनी सूरज की रोशनी उस पर आती है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो फेस मून का सूरज की तरफ है उसी को हम देख पाते हैं, या लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से उतना पोर्शन ही हमें अर्थ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स इज द नेक्स्ट इन पोजिशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू सन। अर्थ के बाद फोर्थ पोजिशन पे आता है मार्स। इट अपीयर्स रेड इन कलर। मार्स का कलर, मार्स जिसको हम हिंदी में मंगल ग्रह बोलते हैं, इसका कलर है रेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। और इस रेड कलर की वजह से कभी कभी ये रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ। और ये पूरे साल भर हमें देखने को मिलता है अर्थ से, रेड कलर का प्लैनेट। इट्स रेडियस इज लिटिल बिगर देन हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बट इट्स वॉल्यूम इज 1/9 ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। यदि उसका हम सरकमफेरेंस या एरिया देखें तो वो अर्थ से बड़ा है बट उसका वॉल्यूम जो है वो कम है, 1/9 ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे पानी या कोई जीव हो इसका कोई एविडेंस अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, बट एस्ट्रोनॉमर्स आर रिसर्चिंग अबाउट इट एंड मार्स हैज टू नेचुरल सैटेलाइट। बट अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स इसके मार्स के ऊपर जाके इसको खोज रहे हैं और मार्स के दो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल अदर प्लैनेट। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है और बाकी के सब प्लैनेट का वॉल्यूम मिला के जितना होगा उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम इस जुपिटर का है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अर्लियर फोर प्लैनेट। और जुपिटर के पहले जो चार प्लैनेट है उन चारों का सूरज से जो डिस्टेंस है उसको टोटल करोगे उससे भी ज़्यादा दूरी पे जुपिटर प्लैनेट आता है। The amount of light and energy reaching this planet is less than the amount reaching Earth and Mars. यहाँ पे जो sunlight आता है वो बहुत कम है as compared to Earth and Mars. फिर भी ये brightest planet है, brighter planet है. Why? Venus के बाद इसको हम इस Jupiter को brighter planet बोल रहे हैं. Because of its dense atmosphere which reflect most of the light it receives and Jupiter has 28 known natural satellite. Jupiter
पे आप देखोगे तो एक डेंस एटमॉस्फेयर है, और उस घने बादल की वजह से जितना भी लाइट यहाँ पे आ रहा है सनलाइट, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसी की वजह से वो एक ब्राइटर प्लैनेट लग रहा है। सैटर्न, सैटर्न का मतलब होता है शनि ग्रह। दिस इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से देखोगे तो ये छठवां प्लैनेट होगा। इस डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर। जुपिटर सूरज से जितना दूरी पे, उससे डबल दूरी पे सैटर्न प्लैनेट है। इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर। इसका वॉल्यूम और उसका नेचर जुपिटर के जैसा ही है, बट इट इज़ कोल्डर देन जुपिटर। बट जुपिटर बहुत ज़्यादा हॉट है, तो सैटर्न जो है वो कोल्डर है, बिकॉज ऑफ थ्री रिंग्स अराउंड इट। और इसके अराउंड थ्री रिंग्स है, इस थ्री रिंग्स की वजह से ये कैसा है, कोल्डर है। दिस रिंग्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सैटर्न हैज 30 नोन सैटेलाइट, और सैटर्न को यानी शनि ग्रह को 30 सैटेलाइट्स है, उपग्रह है। नेक्स्ट इज यूरेनस। दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा सबसे पहले डिस्कवर हुआ प्लैनेट जो है वो है आपका यूरेनस। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न। मतलब शनि ग्रह सूरज से जितनी दूरी पे है, उसे डबल दूरी पे यूरेनस है। एंड इट हैज़ 21 नोन सैटेलाइट, और इनके कितने सैटेलाइट्स हैं, 21। देन नेपच्यून, दिस इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से 8वें नंबर पे दूरी पे नेपच्यून है। इट हैज़ 8 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट्स हैं, 8। एंड बिकॉज ऑफ बींग फार अवे फ्रॉम द सन, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। और ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूरी पे होने के कारण इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। कोल्डर प्लैनेट इज यूरेनस एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज वीनस एंड ब्राइटर प्लैनेट इज जुपिटर। व्हाई इज इट नॉट अ प्लैनेट? कंपेयर टू द प्लैनेट द ऑब्जेक्ट इज फार्दरेस्ट एंड इज द स्मॉलेस्ट इन साइज कंपेयर टू द प्लैनेट। प्लैनेट की यदि हम बात करते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज फार्दरेस्ट। प्लूटो को हम प्लैनेट में क्यों नहीं ले रहे, इसका रीजन दे रहे हैं। कंपेयर टू द प्लैनेट प्लूटो इज फार्दरेस्ट एंड इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। मतलब सूरज से प्लूटो बहुत ज़्यादा दूरी पे है और बहुत छोटा प्लैनेट है। द लाइट फ्रॉम द सन रीच हियर इन 32 आवर। सनलाइट यहाँ पहुँचने के लिए 32 आवर्स लगते हैं। For many year there had been discussion on Pluto being a planet। और सालों से इसके ऊपर discussion, चर्चाएँ होती गई और Pluto को एक planet माना जाता था। But on 24th August 2006 at the meeting of the International Union of Astronomy, Czechoslovakia, the definition of a planet was determined। But 24th August 2006 में जो एक International Union of Astronomy की मीटिंग हुई, चेकोस्लोवाकिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने कुछ एक ऐसे स्टैंडर्ड मेजर्स लगाए हैं कि प्लैनेट आप बोलते हो तो उसके अकॉर्डिंग उस प्लैनेट में क्या क्या होना चाहिए। विच रिवॉल्व्स राउंड द सन, मतलब वो सूरज के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। विच हैज़ दैट मच वॉल्यूम दैट इट टेक अ स्पेरिकल शेप ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि उसका शेप जो है वो कैसा होना चाहिए, स्पेरिकल ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। विच हैज़ अ क्लियर ऑर्बिटल, और जब वो मूव हो रहा है, व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राउंड द सन इट मूव इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, वो एक पर्टिकुलर कक्षा में उसके सूरज की इसमें सूरज के राउंड अराउंड मूव हो, उसका एक अपना एक एलिप्टिकल ऑर्बिट हो, ना कि वो दूसरे के ऑर्बिट में चला जाए। There are no other heavenly bodies in that orbital। और जिस orbital में, जिस कक्षा में वो मूव हो रहा है अपने सर्कुलर पाथ में, तो उस पाथ में दूसरी कोई heavenly bodies वहाँ पे, यानी दूसरा कोई planet उस कक्षा में नहीं मूव होना चाहिए। ये सारे स्टैंडर्ड मेजर्स थे, पैरामीटर्स थे, जो कि 2006 के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी की मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। और जब इन स्टैंडर्ड मेजर्स को देखा गया, प्लूटो रिवॉल्व राउंड द सन, तो प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना। व्हाई? प्लूटो रिवॉल्व राउंड द सन, प्लूटो भी तो सूरज की अराउंड ही मूव हो रहा है, बट बीइंग वेरी स्मॉल, बट उसका साइज बहुत छोटा है एंड हैविंग लेस वॉल्यूम, इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड।
उसका शेप जो है राउंड नहीं है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, वॉल्यूम कम है, और वो जब मूव हो रहा है इट मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव रहा है। ठीक है, उसका पाथ एलिप्टिकल हो सकता है, बट इट कट्स नेपच्यून्स ऑर्बिटल एंड एंटर इनसाइड इट। जब ये मूव होता है तो अपना तो रास्ता छोड़ के नेपच्यून के रास्ते से वो चला जाता है, मतलब नेपच्यून के अंदर ऑर्बिटल में चला जाता है, और जो कि ऐसा करता है वो प्लैनेट नहीं हो सकता। ऑल अदर प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन इन द सेम प्लेन, बट प्लूटो मेक एन एंगल ऑफ 17 डिग्री। अब जब सूरज के अराउंड जब वो मूव हो रहे हैं प्लैनेट तो वो एक ही एंगल करते हैं, जबकि प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि 17 डिग्री एंगल से मूव होता है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लूटो हैज़ बीन प्लेस आउटसाइड द ग्रुप ऑफ प्लैनेट। और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से प्लूटो को प्लैनेट ग्रुप ऑफ प्लैनेट से बाहर कर दिया। रीज़न क्या थे उसके लिए? इसके लिए मेन रीज़न तीन थे। पहला था कि इसका साइज और वॉल्यूम बहुत कम है, दूसरा रीज़न ये था कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव तो होता है बट जब ये मूव होता है तो नेपच्यून के ऑर्बिटल को कट करके वहाँ एंटर हो रहा है, तीसरा रीज़न था कि ये बाकी सारे एक ही एंगल से मूव होते हैं बट प्लूटो मेक एन एंगल ऑफ 17 डिग्री। प्लूटो कितने डिग्री एंगल से मूव हो रहा है? 17 डिग्री। यही एक रीज़न था, यही तीन रीज़न थे जिसकी वजह से प्लूटो को आउटसाइड द ग्रुप ऑफ प्लैनेट रखा गया, एंड इट इज़ नोन एज सूडो प्लैनेट। और इसीलिए प्लूटो को एक सूडो प्लैनेट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो सूडो प्लैनेट माना गया। नाउ चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। नो, एस्टेरॉइड्स आर लेफ्ट। एस्टेरॉइड्स, व्हाट इज एस्टेरॉइड? दीज आर स्मॉल बॉडीज विच रिवॉल्व राउंड द सन इन एन ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स एक स्मॉल हेवनली बॉडीज है, ब्राइटेस्ट बॉडी, और वो मूव होती है मार्स और जुपिटर के बीच में, इन एन ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड इज सेड टू बी दैट पार्ट ऑफ मैटर विच कुड नॉट टेक द शेप ऑफ अ प्लैनेट ड्यू टू सम रीजन। एस्टेरॉइड को क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा मैटर का पार्ट है जिसने प्लैनेट का शेप नहीं ले पाया है, कुछ रीजन की वजह से वो प्लैनेट का शेप नहीं ले पाए, बट वो सेम जैसे प्लैनेट मूव होते हैं वैसे ही वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है कॉमेट, धूमकेतु। कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व राउंड द सन। कॉमेट भी क्या है? हेवनली बॉडीज है, ऑल्सो रिवॉल्व राउंड द सन। वी कैन सी देम ओनली वेन दे आर वेरी नियर टू द सन। और जब ये सूरज के पास पास रहते हैं तभी हम उनको देख पाते हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज स्मॉल ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी इनकी एक विशेषता होती है कि इनका जो हेड है वो कैसा है, छोटा और बहुत ब्राइट, एंड उनको एक लॉन्ग टेल होती है। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। और एक चीज़ है कि इनकी जो टेल है वो सूरज के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। यूजुअली द कॉमेट इज सीन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और कॉमेट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही दिखते हैं, जैसे कि हेलेस कॉमेट इज वन सच कॉमेट विच अपियर आफ्टर 76 ईयर्स। हेले के कॉमेट्स को 76 ईयर्स के बाद, हर 76 ईयर्स के बाद वो दिखते हैं, और लास्ट हम देखे थे 1986 में। समटाइम ड्यूरिंग डार्क नाइट यू मे सी ब्राइट लाइन्स ऑफ लाइट इन द स्काई। और उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार या फिर फॉलिंग स्टार। बहुत ज़्यादा घना अंधेरा रहता है तब आपको आकाश में देखोगे तो कुछ स्टार्स दिखते, फॉलिंग स्टार या शूटिंग स्टार, गिरता हुआ हम इसको टूटा तारा बोलते हैं। बट दे आर नॉट स्टार, वो कोई तारा नहीं रहता है, दे आर मीटियोर्स, उनको बोलते हैं मीटियोर्स। अब ये मीटियोर्स क्या है? मीटियोर्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व राउंड द सन। व्हेन दीज बॉडीज एंटर अर्थ एटमोस्फियर एट वेरी हाई स्पीड दे बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन एंड दे अपियर एज ब्राइट लाइट इन द स्काई। मीटियोर भी स्मॉल हेवनली बॉडीज हैं जो कि दे रिवॉल्व अराउंड द सन, बट जब ये सूरज की ऑर्बिटल में आती है या एटमॉस्फेयर में आती है तब क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन वो मैटर और
एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तब स्पीड हाई होने की वजह से वो क्या होते हैं, बर्न अप होते हैं, जलते हैं, और हमें फिर वो ब्राइट लाइट के जैसा दिखता है। सम मेटियोर डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली इन द एटमॉस्फेयर एंड सम पार्ट ऑफ इट फॉल ऑन द अर्थ विदाउट बर्निंग। अब ये मेटियोर जो है, मतलब उनमें जो मैटर है, कभी कभी पूरा मैटर फ्रिक्शन की वजह से जल जाता है, या कभी कुछ पोर्शन बच जाता है और वो अर्थ पे आता है, गिरता है। दीज अनबर्न बॉडीज आर कॉल्ड मेटियोराइट्स। और ये जो आधे जले या अनबर्न मैटर है, जिनको हम हेवनली बॉडी जब नीचे आके गिरती है अर्थ पे, तो उनका नाम होता है मेटियोराइट्स। मेटियोर से बनता है मेटियोराइट्स। एज वी नो, ऑल द 8 प्लैनेट एंड सैटेलाइट रिवॉल्व ऑन देयर ओन पाथ विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग अदर अराउंड द सन इन अ डिसिप्लिन मैनर। डू वी ऑल्सो बिहेव इन द सेम मैनर? आर वी मेंटेनिंग द पीस एंड इंटीग्रिटी इन अवर सोसाइटी? जैसे ये 8 के 8 प्लैनेट और इतने सारे नेचुरल सैटेलाइट्स है जो कि इस आकाश में, इस स्काई में मूव हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक डिसिप्लिन मैनर में मूव हो रहे हैं। इनको पीछे कोई लग नहीं रहा है, टीचर या प्रिंसिपल ऐसे कोई नहीं है वहाँ पे जो उनको बता रहा है कि आपको इस रास्ते से जाना है। वो पर्टिकुलर उसी रास्ते से मूव हो रहे हैं, किसी को बिना डिस्टर्ब किए। क्या हम हमारे समाज में इस तरह से रह सकते हैं या हम रह रहे हैं? लेट अस गिव अ थॉट ऑन हाउ टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ अवर फेलो बींग इन द सोसाइटी। ये क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग बॉडीज जो है, जो स्काई में मूव हो रहे हैं, वो एक बिना किसी के बोलने पे एक डिसिप्लिन वे से मूव हो रहे हैं, तो क्या हम हमारी ज़िंदगी में ऐसा डिसिप्लिन लाके एक हार्मनी सोसाइटी में मेंटेन कर सकते हैं या सोसाइटी को सुधार सकते हैं? शायद हम हमारे सहकर्मी, हमारे सहपाठी, हमारे पड़ोसी, इन लोगों के साथ थोड़ा सा हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करके क्या मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी में पीस और इंटीग्रिटी। जो सरकार गाइडलाइंस हमें दे रही है कोरोना काल के लिए, क्या हम उसी का पालन कर रहे हैं? क्या हमें ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सोचिए और जवाब दीजिए। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।